दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तोशियो जादूगर मुंडा। ये तोशी की कॉमिक्स है, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। तोशियो जादूगर मुंडा। सर्प देश में वार्षिक उत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही थी। महामंत्री, कृपया हमें वार्षिक उत्सव की प्रगति से अवगत कराया जाए। महाराजा धीराज, हमेशा की तरह वार्षिक उत्सव आखेट पर्वत पर मनाया जा रहा है। सर्प देश के इस मान पर्वत पर आसपास के देशों के कलाकार और मार्थी भाग लेने आते हैं। उनके आगमन के लिए सीमाएं खोल दी गई हैं और राखेट पर्वत पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है ताकि हर कार्य व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा सके। राखेट पर्वत सर्प देश के नाभि सतल पर है और उसके चारों तरफ सागर है। हम जानते हैं वार्षिक उत्सव के समय सागर पर पुल बनाया जाता है जिसे बाद में तोड़ दिया जाता है। हाँ सम्राट, पुल टूटने के बाद आखेट पर्वत पर कोई नहीं जा सकता। आखेट पर्वत के चारों तरफ जो सागर फैला है उसका जल विषाक्त है। उसे छूते ही वह शरीर के नसों पर अपना प्रभाव जमाने लगता है और रक्तचाप रुक जाता है। इसीलिए आखेट पर्वत तक पहुंचने के लिए पुल बनाया जाता है। सर्प देश के पंखधारी सांप यह पुल बनाते हैं। वह एक दूसरे से लिपट कर पुल बना लेते हैं और उत्सव समाप्त होते ही पुल तोड़ देते हैं। अब मैं आपके समक्ष पंखधारी सांपों के सरदार को पेश करता हूँ। वह आगे की प्रगति से अवगत कराएगा। पंखधारी सांप दरबार में उपस्थित हो गया। हे सम्राट, हम पंखधारी सर्प देश की परंपराओं से बंधे हैं। हम अपनी गुफाओं से तभी बाहर निकलते हैं जब हमें कोई परंपरागत कार्य करना होता है। हमारे सैनिक हर वर्ष आखेट का पुल बनाते हैं और हमारे कोमल परों के ऊपर से सर्प देश के नागरिक आखेट पर पहुंचते हैं। हम विषाक्त सागर की एक भी बूंद उन तक नहीं पहुंचने देते। पूनम की रात से अमावस्या की रात तक हमारा पुल बना रहेगा। उसके बाद हम पुनः आखेट के अक्षांश पर पहरा डाल देते हैं। ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दो। यह सम्राट, आखेट पर्वत पर सर्प देश का पुराना एक खजाना भी है। यदि देश को धन की आवश्यकता पड़ती है तो उस खजाने से वर्ष में एक बार धन निकाला जा सकता है। उत्सव में आपको इसी खजाने से गरीबों को दान करना है और कलाकारों योद्धाओं को पुरस्कृत करना है। हम अपना कर्तव्य अपने पूर्वजों की तरह निभाएंगे। हमारे पूर्वजों और देवताओं ने यह व्यवस्था हजारों वर्ष से बनाई हुई है कि आखेट पर्वत तक कोई न पहुंच पाए, क्योंकि इसमें हमारा पुरानी खजाना रखा गया है और पंखधारी सांप भी इसी की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। वे आकाश मार्ग की रक्षा करते हैं ताकि कोई आकाश मार्ग से इसमें प्रवेश न हो सके। आप ठीक कहते राजन, आकाश मार्ग से तो कोई भी पक्षी इस पर्वत पर नहीं आ जा सकता और न ही बाहर आ सकता है। जो पक्षी आखेट में रहते हैं वे आखेट पर्वत पर ही वास करते हैं, बाहर नहीं आते। उत्सव की पूरी प्रगति संतोषजनक है, तैयारी जारी रखी जाए। पाताल के सर्वशक्तिमान देश सर्प देश और तोशी का सबसे बड़ा शत्रु था तुर्कसेन, जो कल्प देश का राजा था। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पाताल का सम्राट मुझे बनना है और यह तब तक संभव नहीं जब तक तोशी जीवित है। अब वह और भी शक्तिशाली हो गया है क्योंकि ऋषि राज गिद्ध से उसकी मित्रता हो गई है। हे जादूगर मुंडा, तुझे एक दिन अपनी खो से बाहर आना ही पड़ेगा। तुर्कसेन मुंडा जादूगर की साधना कर रहा था। यह जहरीला जादूगर, राजा तुर्कसेन ने तेरी साधना में ताज त्यागा, राज त्यागा और 1000 सांपों की कुर्बानी चढ़ा दी। बोल, क्या तू अब भी खुश नहीं हुआ? क्या तू पृथ्वी लोक से पाताल में बसे अपने भक्त की पुकार नहीं सुनेगा? गुड़ गुड़ करोड़ ब्रोम, हा। मुंडा प्रकट हो गया। जय काली महाकाली, तेरा वचन न जाए काली, गिल गिल ही झुम झुम। धन्य हो मुंडा जादूगर, आपने दर्शन दिए। तुर्कसेन, हम तेरी साधना से बहुत खुश हैं। बोल, क्या चाहता है? मुंडा को पाताल की धरती पर क्यों आमंत्रित किया तूने? यहाँ एक इच्छाधारी सांप है मुंडा जादूगर। मैंने सुना तुम्हें बरसों से इच्छाधारी सांप की तलाश है। हाँ, यदि मैं इच्छाधारी का खून और जहर पी लूं तो अमर हो जाऊंगा। मुंडा, अपनी शक्ति और मेरी बुद्धि का प्रयोग करो, इच्छाधारी सांप तो सिर्फ तुम्हें मिल जाएगा।
कहाँ है इच्छाधारी, मुझे उसका पता बताओ। सर्प देश की सीमा में किसी का जादू नहीं चलता, मुंडा जादूगर वहां केवल तोसी ही तोसी है। किंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जादू काम कर जाएगा। सर्प देश का वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। मुझे पता चला तुम अपने जादू से चांद की रोशनी गायब कर सकते हो। हाँ, मैं अपने जादू से चांद की रोशनी गायब कर सकता हूँ। पूर्णमासी की रात को अमावस्या की रात बना सकता हूँ। बस उसके बाद मेरा कमाल देखो, मैं इच्छाधारी तोशी को बंदी बनाकर तुम्हारे कदमों में पटक दूंगा। तुर्कसेन मुंडा को अपनी योजना समझाने लगा। जब तोशी आखेट पर्वत में प्रविष्ट हो जाए तो तुम चांदनी रात को अमावस्या की रात बना देना। सब पंखधारी सांप पुल तोड़कर आकाश पर पहरा डाल देंगे और फिर तोशी उसी द्वीप पर कैद होकर रह जाएगा। उस वक्त तुम भी आखेट पर्वत पर रहोगे और फिर तोशी को अपनी सर्वसम्मोहन शक्ति से बेबस करके उसका खून पी लेना। मैं भारत सर्प देश का राज पलट दूंगा और सर्प देश का राजा बन जाऊंगा। मुंडा अमर होके रहेगा, तोसी का खून पिएगा, जहर पिएगा। हा, मेरी योजना कामयाब होगी, मुंडा अब तोसी को नहीं छोड़ेगा। उत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। सभी देशों की सीमाएं खोल दी जाए। तोसी नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा। नाग बाबा, आपको इस उत्सव का उद्घाटन करना है क्योंकि इस धरती पर आपसे श्रेष्ठ नाग दूसरा कोई नहीं है। उचित है, हम सब देश के सम्राट के निमंत्रण की अवहेलना नहीं कर सकते। दूर दराज से आए कलाकार और योद्धा अपना जोर दिखाने आखेट पर्वत की ओर आ रहे थे। जादूगर मुंडा भी आखेट पर्वत पर अपने जादू एक कमाल दिखाने पहुंच गया। उसके काफिले में 20 पैदे थे जो उसका सामान ढो रहे थे। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इस बार मुझे ऐसा जादू चलाना है कि सारा स्वदेश दंग रह जाए। समुद्र तट पर आने वालों का पड़ाव था। यहाँ विश्राम कीजिए श्रीमान, रात्रि के समय पुल का मार्ग खोल दिया जाएगा। ठीक है, हम रात्रि की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े पहलवान मुग्धर चला रहे हैं। वाह, यह तो कोई गुस्सेबाज लगता है। इस खेमे में संगीत और घुंघरों की आवाज आ रही है। यह कोई नर्तक टोली होगी, सब सब अपना रियाज कर रहे हैं। छन छन, आइए इस खाली डेरे में पड़ाव डाल दीजिए। ठीक है भाई, हम यहीं विश्राम करेंगे। चलो प्यादों, सामान रख दो। अब जरा मैं भी अपना रियाज कर लूं। सबसे पहले मैं अपने दूरदर्शन यंत्र से आसपास का निरीक्षण करता हूं। छुम छाम चुम जाम चुर, ऐ मेरे दूरदर्शन, मेरे आयु के साथ साथ तेरी शक्ति भी बढ़ती है। मैं 200 साल का हूं और 200 मील तक क्या हो रहा है यह तेरे माध्यम से देख सकता हूं। तेरी आयु के साथ साथ तेरा क्षेत्र भी बढ़ता रहता है। चल जरा मुझे यहाँ के प्रत्येक खेमे के अंदर का दृश्य दिखा। मैं आखेट पर आने वालों से परिचित होना चाहता हूँ। मुंडा के दूरदर्शन यंत्र पर दृश्य उजागर होने लगे। है यह लश्कर किसका है, जरा जरा इसकी आवाज सुनता हूं। सम्राट तोशी जिंदाबाद जिंदाबाद। ओह, तो यह है इच्छाधारी सांप तोशी, सर्प देश का सम्राट। और यह महात्मा कौन है जो दूसरे शाही रथ पर सवार है? नाग बाबा की जय हो, नाग बाबा की जय। तो यह है नाग बाबा। पड़ाव में उपस्थित समुदाय तोशी और नाग बाबा का स्वागत कर रहा था। ओ, फूल बरसा रहे हैं, वाह, जरा मैं भी इनका स्वागत कर लूं। तो बच्चों जरा पत्थर बरसने का मजा भी देखो। जू जू जैक लगते वाली बरस जा, चल चल चला चल। जादूगर मुंडा के मुंह से पत्थर निकलने लगे। हा। है यह पत्थर ये लोग फूलों की बजाय पत्थर के ऊपर बरसाने लगे। ठन ठन, पत्थरों की बरसात से भगदड़ मच गई। जाओ कालू जिन, पत्थरों की दिशा में जाकर पता करो यह पत्थर कौन बरसा रहा है, जो आ गया स्वामी। बस इतना ही मजा काफी है, पत्थर बरसने बंद हो गए। नाग बाबा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इन लोगों ने फूलों के साथ साथ हम पर पत्थर भी बरसाए हैं। बताओ तुम, बाहर से किसने हम पर पत्थर बरसाए हैं? हम जानना चाहते कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हम पर पत्थर बरसाए गए। हमने पत्थर नहीं बरसाए, नहीं बरसाए पत्थर हमने।
हमने तो फूल ही बरसाए हैं। कालो जिन उड़ता हुआ मुंडा के खेमे में पहुंचा, चूं ठौर है तू कौन है, किधर से आया है, तूने पत्थर बरसाए हैं? हाँ मैंने अपने जादू का रियाज किया था, तो फिर मैं भी अपना रियाज कर लूं। ठौक ठौक शुम हो गया रियाज, दौड़ाक दौड़ाम। बोल कैसा रहा मेरा मेरा रियाज, गिले गिले गुलगुम किम चुम चर भौबक। हा, अरे जादूगर के पिल्ले, मैं से चुम चम जुम जाम वाली आग से जलने वाला नहीं। ऐ मेरे पैदो पकड़ लो इसे, ये तेरे पैदे तो मेरी पूछ भी नहीं पकड़ सकते, मुझे क्या पकड़ेंगे। तड़ोक, इतना ही सबक काफी, अब चलता हूं। है गायब हो गया, बता मेरे दूरदर्शन कहाँ गया यह शैतान, और दूरदर्शन पर इसका कोई बिंब नहीं आ रहा, इसका मतलब है जिन या कोई प्रेत था, उसे मुझे अपने प्रेत मंत्रों से बांधना था। खैर अगली बार देखूंगा कैसे बचकर भागता है। कालू जी ने नाग बाबा को मुंडा जादूगर के बारे में बता दिया, अगर वह जादू के तमाशे दिखाने आया है तो उसे तोसी के लश्कर पर पत्थर बरसाने की क्या आवश्यकता थी। वह रियाज कर रहा था, मैंने उसे समझा दिया कि ऐसा ऐसा रियाज ठीक नहीं होता, इस जादूगर पर नजर रखनी होगी। रात होते पूनम का चांद निकल आया, पंखधारी पुल बना चुके थे। हे राजन, आखेट के पुल पर सबसे पहले आपको प्रवेश करना है। ठीक है राजगुरु, हम तैयार हैं। आखेट पुल पर आप कदम रखते ही तोसी की जय जयकार गूंज उठी, सम्राट तोसी जिंदाबाद, तोसी की जय हो। तोसी ये बात नाग बाबा ने प्रवेश किया, नाग बाबा की जय हो। उसके बाद सबके लिए रास्ता खोल दिया गया। एक दिन ये सब मुंडा जादूगर की जय जयकार करेंगे। आखेट पर्वत की चोटी पर एक मैदान था जहां उत्सव होता था, मैदान के मध्य में एक मंदिर था। तोसी और नाग बाबा सबसे पहले इस मंदिर में पहुंचे, दर्शनों के उपरांत तोसी बाहर आया। अभी तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि मुझ पर पत्थर किसने बरसाए। तोसी ने अपने शाही खेमे में गुप्तचरों को बुलाया, सारे पर्वत पर फैल जाओ और पता करो कि मुझ पर पत्थर किसने बरसाए थे। जो आ गया महाराज, गुप्त चप्पे चप्पे पर फैल गए। आखेट पर्वत के इस मैदान में सारा आयोजन होना है, क्यों मैं पहले इसकी सीमा बांध दूं, और जब मैं सीमा बांध दूंगा तो जो भी जादू दिखाना चाहूंगा सब वहीं देखेंगे। चल मेरे दूरदर्शन, मैदान की सीमा दिखा दे दिखा दे। गिले गिले जुम जाम सर बांध दिया मैदान को। एक गुप्तचर खेमे में एक सुराख बनाकर अंदर झांक रहा था। है यह क्या कर रहा है, अब मैं कल ओले बरसाकर अपने जादू का श्री गणेश करूंगा, पत्थरों की बरसात के बाद ओलों की बरसात का भी मजा चखाऊंगा। है तो कैसी जादूगर ने पत्थर बरसाए। सुबह, हमने पता लगा लिया महाराज, यह सब जादूगर मुंडा का काम है, आज वह ओले बरसाएगा, उसने सारा आखेट मैदान अपने जादू से बांध दिया है। वो आखिर यह जादूगर चाहता क्या है। समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी थी, नाग बाबा अब आप उत्सव का उद्घाटन करने की कृपा करें। ठीक है राजन, यह मशाल जिसे मैं रोशन कर रहा हूं आखेट मैदान में तब तक जलती रहेगी जब तक उत्सव चलता रहेगा। इसी के साथ मैं उत्सव के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ, और इसी के साथ मैं ओले बरसाने की घोषणा करता हूँ। हा। ओले बरसते ही सब अपने पड़ाव में घुस गए, मैदान खाली हो गया। हा, सब मेरे जादू में बन चुके हैं, अब जो मैं दिखाऊंगा वही ये सब देखेंगे। थोड़ी देर में ओलावृष्टि बंद हो गई। इस मुंडा जादूगर का कुछ और इरादा मालूम पड़ता है, उत्सव प्रारंभ किया जाए। उत्सव के प्रारंभ में एक नर्तक टोली ने अपना अपना कार्यक्रम पेश किया। तोसी ने आयोजक को बुलाया, जादूगर मुंडा के प्रदर्शन का समय क्या है आयोजक, रात्रि का प्रथम प्रहर, उद्घाटन हो चुका, अब मेरी वापसी होगी बस। उचित है नाग बाबा, उत्सव समाप्त होते ही मैं तुम्हें एक विशेष अभियान पर रवाना करना चाहता हूँ वत्स, आज्ञा दीजिए।
उस अभियान का मार्ग भी अखेट पर्वत से शुरू होता है। वापस लौटने से पहले मैं तुम्हें वह स्थान दिखाना चाहता हूँ। रास्ता मंदिर के तहखाने से जाता है। यह मार्ग तुम्हें समुद्र के नीचे तक ले जाएगा। वहां एक सुरंग सागर को पार करती है। आखेट पर्वत को आने जाने का यह गुप्त मार्ग अगर तुमने पार कर लिया तो अभियान पर सफलता पा लोगे। दोनों ने मंदिर में कदम रखा। इस मंदिर की सीमा में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना या ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। यह तुम्हारा बाहुबल और बुद्धि होगी जो तुम इस मार्ग पर बढ़ोगे। इस मार्ग में कदम कदम पर खतरे और बाधाएं हैं। देखो मैं तुम्हें तहखाना दिखाता हूं। भगवान शंकर का त्रिशूल की दिशा बदलते ही तहखाने का रास्ता खुल गया। और यह रहा तहखाना। इसमें दो मार्ग हैं। एक खजाने में जाता है, दूसरा समुद्री सुरंग में। नाग बाबा ने दोनों द्वार बारी बारी खोलकर दिखाई। यह रास्ता अंत में त्रिलोक द्वार पर समाप्त होगा, जहां तुम्हें त्रिलोक की सर्वशक्तिमान सर्प सिद्धि प्राप्त होगी। इस जगह शेषनाग के शस्त्र भी तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हें उन अस्त्रों को लेकर आना वत्स। उसके बाद तुम आने वाले संकट का बखूबी सामना कर सकोगे। आने वाला संकट क्या है यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, परंतु तुम्हारे पुत्र के नामकरण अवसर पर वह संकट आएगा। बस इतना याद रखो। मंदिर से लौटने के बाद अब मैं चलता हूं। रात के प्रथम प्रहर। अब मेरी बारी है। मैं अपना जादू दिखाकर उत्सव की शान बढ़ाऊंगा। उत्सव में मसाले जल रही थी। मेरा सबसे पहला जादू। देखो सम्राट, मैं यह रात अमावस्या की रात में तब्दील कर दूंगा। गिले गिले जूम। एक आंख चांद की रोशनी गायब हो गई। और अमावस्या की रात का अर्थ यह भी है कि पंखधारी सांप पुल तोड़ देंगे। जादूगर मुंडा की इस घोषणा से खलबली मच गई। अब आखेट पर्वत से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। और अब देखो मैं यहाँ तूफान बर्पा कर रहा हूं। गरुड़ गरुड़ सोए सोए तबाही मचा दी इसने। तो जिसे जान पहचानी है वह आखेट मैदान से भाग जाए और तुरंत पुल पार कर ले, वरना पुल टूट जाएगा। सब लोग भाग खड़े हुए, पर मैं तोशी को भागने का अवसर नहीं दूंगा। ऐ मेरी जादू की जंजीर, जा जकड़ दे तोशी को। तोशी के सैनिकों ने मुंडा पर हमला कर दिया। सक सक, शहबाश मेरी परछाई का मेरा रूप, शहबाश मेरी परछाई को मेरा रूप समझते रहो। मेरे पैदों भिड़ जाओ इनसे, मैं इनकी आंखों में दूध झोंकता हूं। इन्हें अपने ही साथी शत्रु दिखाई देंगे। खन खन। अब मैं तोशी का खून और जहर पीऊंगा। देख मेरा दूसरा रूप। इसके शरीर में न तो खून है न जहर। सक सक, ओ यह क्या हुआ? अरे बेवकूफ, क्या तू यह भी नहीं जानता कि ब्रह्मास्त्र धारी इच्छाधारियों पर कोई जादू असर नहीं करता? मुंडा अपने रूप में प्रकट हुआ। कौन हो तुम? ये तो तुम्हारी परछाई नहीं है। देखो ये हुआ, मैं तेरी जादू को की जंजीर से मुक्त। और ये रहा मेरा असली रूप। तो तू तो वही है, तोशी कहाँ है? कालू जिन मेरा नाम है। देख सम्राट, तोशी तेरे पैदों को ठिकाने लगा रहा है। खन खन सक। और देख तेरा तंबू भी उड़ा। सड़ाक। मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा कमीने, तूने मुझे धोखा दिया। अभी लो हम दोनों पिंजरे में बंद है। और यहाँ यह वह पिंजरा है जो जान तेरा जादू नहीं चलेगा। ठाक धड़ौक धड़ौम धड़ौम। तो सी एक बात अच्छी तरह सुन ले, अब कोई इस पर्वत से बाहर नहीं जा सकता। जानता हूं, लेकिन तू भी इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र का पिंजरा जिसमें सब जादू समाप्त हो जाते हैं, इसे तेरे साइज का बनाया है मैंने। कालू जिन, तुम बाहर निकलो, अभी आया। अब तुम यहां तब तक कैद रहोगे जब मुंडा जब तक मैं अपने अभियान से लौट कर नहीं आ जाता। उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। कालू जिन, मेरी अनुपस्थिति में तुम या तो शिपन कर रहोगे, मुझे इसलिए यहाँ छोड़ा गया है। सुबह हो गई, उत्सव जारी रखा जाए। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है।
और इसका अगला पार्ट है तोशी और शेषनाग। तो अगर आपको कॉमिक्स से अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में तोशी और शेषनाग में।